आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन। डाउटनेट पे आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज क्वेश्चन थोड़े से बैंक लेवल का है। क्वेश्चन में क्या है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उस स्टेटमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड वी हैव टू टेल आउट कि कौन से पार्ट में एरर है या कौन से दो पार्ट्स में एरर है। क्वेश्चन है, सेवरल टाइम्स वी सिट विद द न्यू पीपल एंड ट्राई टू पुट टुगेदर अग्रीमेंट्स दैट वुड अकोमोडेट द नीड्स फॉर बोथ ऑफ आवर पीपल्स। ईच टाइम इट वॉज अस Who give privileges to the new people? अब हमें बताना है इन तीन parts में, हमें नीचे तीन parts given है, ठीक है? इनमें से कौन सा part ऐसा है जो ऊपर वाले part को replace कर सकता है, मतलब जो statement given है उसको कौन सा part ऐसा है जो replace कर सकता है बाकी के जो first, second, third में हमको given है। मतलब ये हमारे पास statement given है, this is the statement given to us, और ये हमारे पास तीन part है। ये तीन part ऐसे पार्ट दिए हुए हैं या तो ऊपर वाले स्टेटमेंट से थोड़े बहुत चेंजेस में है या थोड़े बहुत चेंजेस में नहीं है। अब हमें बताना है कि कौन सा पार्ट चेंज हो सकता है और कौन सा पार्ट रिप्लेस या चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं आपका लास्ट वाले पार्ट की, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट, सेंटेंस में दिया हुआ है इट वॉज अस, और हमारा जो आंसर या फिर जो हमारा करेक्ट रिप्लेसमेंट है उसमें दिया हुआ है इट वॉज वी। बेटा बिल्कुल सही बात है, मैं आपको रूल बता देती हूँ। इट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेकर आता है। इट एक ऐसा सब्जेक्ट है या इट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेकर आता है। अस ऑब्जेक्टिव केस है और वी सब्जेक्टिव केस है। मैं आपको सच्ची बता देती हूँ, अस ऑब्जेक्टिव केस है और वी सब्जेक्टिव केस है। मतलब अस एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है और वी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। इट वॉज वी, वो हम हैं जो प्रिविलेजेस, जो सुविधाएं देते हैं नए लोगों को। तो बेटा इसका मतलब जो स्टेटमेंट में इट वॉज अस दिया हुआ है, अस को रिप्लेस करके वी आएगा, इट मीन्स हमारा थर्ड तो ऑप्शन सही होगा। अगर थर्ड ऑप्शन सही होगा तो हमारे दो तो कट जाते हैं, ओनली सेकेंड गलत है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड गलत है। थर्ड तो रिप्लेस होगा ही होगा हर कीमत पे। फर्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप सेकंड को चेक कीजिए। सेकंड देख लेते हैं, दैट वुड अकोमोडेट द नीड्स फॉर बोथ आवर पीपल्स एंड दैट वुड अकोमोडेट द नीड्स फॉर बोथ ऑफ आवर पीपल्स। बिल्कुल सेम दिया हुआ है, सेकंड में भी वही है और आपका रिप्लेसमेंट में भी वही है। दैट के साथ दैट वुड अकोमोडेट द नीड्स फॉर बोथ ऑफ आवर पीपल्स। फर्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट उस ऑप्शन में दिया हुआ है जहां पे थर्ड नहीं दिया हुआ, लेकिन थर्ड को तो रिप्लेस करना है क्योंकि अस की जगह वी आएगा क्योंकि इट के साथ सब्जेक्टिव केस आता, ऑब्जेक्टिव नहीं आता, ठीक है? अब थर्ड एज इट इज दिया है, मींस थर्ड को भी हमें रिप्लेस नहीं करना है। तो हमारा जो 100% आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर होने जा रहा है हमारा थर्ड। आंसर हमारा होने जा रहा है ओनली थर्ड विल बी अवर आंसर, क्योंकि ये रूल लिख लीजिएगा कि इट के साथ जब भी कोई केस आएगा, इट के साथ तो वो कौन सा केस आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कि इट वॉज मी नहीं होता, इट वॉज आई होता है, नॉट इट वॉज मी, इट वॉज आई। तो इट मीन्स जो हमारा केस होगा वो इट वॉज आई होगा, इट वॉज वी होगा, इट वॉज अस नहीं होगा। फर्स्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऑप्शन में उस तरह का आंसर नहीं दिया हुआ। सेकंड स्टेटमेंट में भी वही है और रिप्लेसमेंट में भी वही है। सो इट मीन्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली थर्ड। ये करेक्ट ऑप्शन है ओनली थर्ड, इसका मतलब ओनली थर्ड विल बी आवर आंसर। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।